टू माई फ्यूचर फैशन डिजाइनर्स, वेलकम टू दिस चैनल एनजी डिजाइनिंग एंड आर्ट्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कलर की स्टडी आपने प्रीवियस वीडियो में कर ली है एंड अगर आपको वो समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी एक मेरे पास सॉल्यूशन है। एंड अगर आपको समझ में आ गया बट मे बी चांसेस हैं कि कभी आप इसको भूल जाओ या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है एक स्टोरी। मैं आपको यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ जिससे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कलर से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे और वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है, दुनिया में सिर्फ अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैक, सब कुछ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट था। और तब कोई भी जो कलर्स आप आज के टाइम में देखते हो, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, ये सब कोई भी कलर्स नहीं थे। लोग सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही जीते थे और इस वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी भी होती थी। ऐसा कभी कभी होता था कि बहुत सी चीज़ें जो कि शेप जिनकी सेम है एंड कलर भी सेम होने की वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता था कि ये क्या है। लाइक अगर ऑरेंज भी ब्लैक था एंड गुआभा भी ब्लैक था, तो दोनों ही ब्लैक था तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ऑरेंज कौन सा है, गुआभा कौन सा है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था लोगों को। एंड इस बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी लोगों को लाइफ में, तो इसके लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप, यज्ञ, हवन किए एंड और तब भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान में 3 चमत्कारी कटोरे दिए और आपको पता है उन बाउल्स में क्या था? उन बाउल्स में थे कलर्स रेड, ब्लू एंड येलो। और वो मैजिकल बाउल्स ऐसे थे कि उसमें से आप कितना भी रेड यूज़ करो, कितना भी येलो यूज़ करो, कितना भी ब्लू कलर यूज़ करो, बट वो कभी ख़त्म नहीं होता था। जिस चीज़ पे आप जो कलर छिड़कोगे वो उस कलर का हो जाता था। तो इस तरह से लोगों की लाइफ काफ़ी आसान हो गई पहले के रिस्पेक्ट में। लोगों की लाइफ में काफ़ी कलर्स आ चुके थे। फिर एक बार क्या हुआ, उन सभी कलर्स को लैब में रख दिया गया। एक साइंटिस्ट था जो अभी साइंटिस्ट नया नया बना था, वो बहुत ही पतला दुबला था। तो एक बार जब वो कलर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ब्लू एंड येलो को मिक्स, पता है क्या हुआ? एक मैजिक हुआ, तब बना एक न्यू कलर एंड दैट कलर इज ग्रीन। तब लोगों ने एक और भी नया कलर पाया और सभी लोग बहुत ही खुश हुए। फिर उस साइंटिस्ट ने क्या किया, रेड, ब्लू और येलो को एक दूसरे से मिक्स कर करके चेक किया कि उसे कौन कौन से कलर मिलते हैं, क्या मैजिक होता है। तो उसके बाद उसे जो 3 कलर मिले वो थे पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो पहले नेचर ने, भगवान ने हमें 3 कलर दिए थे और उस पतले दुबले साइंटिस्ट ने 3 कलर और बना दिए, तो इस तरह से अब 6 कलर्स आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा, लोग 6 कलर्स के साथ अब जीने लगे थे। अब उसने सोचा कि तीनों कलर्स को मिक्स करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो जब उसने तीनों ही कलर्स को मिक्स किए तो उसे ब्लैक कलर मिला। तो अब उसके बाद सभी लोग उसे डांटने लगे कि तुमने ये क्या बना, ये तो ब्लैक कलर चारों तरफ था ही, तुमने ये क्यों बनाया। सभी लोग उसे डांटने लगे, तो उसके बाद से उसने एक्सपेरिमेंट करना ही छोड़ दिया। जो वो पतला दुबला साइंटिस्ट था, उसके फादर भी साइंटिस्ट थे और वो बहुत मोटे थे, तो उन्होंने कलर के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पता है क्या किया, ब्लू और ग्रीन को मिक्स किया, येलो और ग्रीन को मिक्स किया, रेड और ऑरेंज को मिक्स किया, रेड और पर्पल को मिक्स किया, ब्लू और पर्पल को मिक्स किया और येलो और ऑरेंज को मिक्स किया। तो इस तरह से उन्हें और भी न्यू 6 कलर्स मिल गए और वो कलर्स हैं ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, रेड ऑरेंज, रेड पर्पल, ब्लू पर्पल एंड येलो ऑरेंज। तो इस तरह से हमें और भी 6 कलर्स मिल गए। अब हमारे पास टोटल 12 कलर्स आ चुके थे। तो इस तरह से हमारी लाइफ में आए इतने सारे कलर्स। तो आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या स्टोरी बता दी बच्चों जैसी। हाँ, ये हो सकता है थोड़े बच्चों जैसी है, बट
अगर आप इसको समझ लोगे तो ये बहुत हेल्प कर सकती है, और इसकी हेल्प से आप बहुत सारे पॉइंट्स याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने सबसे पहले लाइन में क्या बोला कि चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ ब्लैक था, ब्लैक एंड वाइट था। तो अब आपके माइंड में आएगा ब्लैक एंड वाइट तो था ही, तो फिर मैंने ये क्यों बोला कि कोई कलर्स नहीं है, ब्लैक एंड वाइट भी तो कलर्स ही है ना। नहीं, ब्लैक एंड वाइट कलर्स नहीं होते हैं, ब्लैक एंड वाइट को कलर्स नहीं माना जाता है, इनको शेड्स कहा जाता है, इसे कलर नहीं माना जाता है। तो इस बात से आपको पहली बात पता चली कि ब्लैक एंड वाइट आर नॉट कलर्स। नेक्स्ट आपको पता चला कि गॉड ने हमें तीन कलर्स दिए, रेड ब्लू एंड येलो, यानी कि हमें सबसे पहले रेड ब्लू और येलो कलर मिला तो इसे प्राइमरी कहा जाएगा, और ये हमें नेचर से मिलता है क्योंकि हमें गॉड ने दिया, मतलब कि ये हमें नेचर से मिलता है, हम इसे बना नहीं सकते। तीसरी बात हमें ये पता चली, पतला वाला साइंटिस्ट था, वो पतला था और अभी नया नया था, तो वो तीन कलर्स ही बना पाया। तो जो उसने कलर्स बनाया गॉड के बाद, उसने दूसरी बार कलर बनाया, तो इसलिए जो वो कलर्स बनाए उसको सेकेंडरी कलर्स बोला गया, और वो कलर्स थे पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। इससे आपको ये भी पता चलता है कि अगर हम तीनों ही प्राइमरी कलर रेड ब्लू और येलो को मिक्स करें तो हमें मिल जाएगा ब्लैक कलर। अब उसके बाद हमें ये पता चलता है कि साइंटिस्ट का फादर था वो बहुत ही मोटा था एंड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था, तो उसने 6 कलर्स बना लिए। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट था उसने ज़्यादा कलर्स बनाए, और जो कम इंटेलिजेंट था उसने कम कलर्स बनाए, क्योंकि उसने तीसरी बार कलर्स को बनाया, उसके बनाए गए कलर्स टर्शियरी कलर कहा गया है। इसलिए आपको पता चला गॉड ने तीन कलर दिए, प्राइमरी में तीन कलर होते हैं रेड ब्लू और येलो, दूसरी बार बनाए तो सेकेंडरी बोला गया, उसमें पर्पल ऑरेंज और ग्रीन आया, एंड मोटे वाले साइंटिस्ट ने इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने 6 कलर्स बनाए क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था। अब ये बात मैंने सिर्फ आपको ये ट्रिक दी है, याद करने की ट्रिक के लिए बताया है कि वो पतला सा और कम इंटेलिजेंट था तो उसने तीन कलर ही बनाए, ताकि आपको ये याद रहेगा कि जो पतला था उसने कम बनाया, जो मोटा था उसने ज़्यादा बनाया, या फिर जो कम इंटेलिजेंट था उसने कम बनाया, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट था ज़्यादा बनाए। एंड आपको ये इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर को रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि मेरी ये छोटी सी कोशिश प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कलर को समझने में आपकी हेल्प करे।